हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ऑप्शन ट्रेडर टुडे। सो आज मैं स्टूडियो में आपको बताऊंगा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और नेचुरल गैस किस तरह मूव कर रहे थे लास्ट वीक और ये कमोडिटीज़ किस तरह मूव कर सकती हैं नेक्स्ट वीक। सी आप देखेंगे तो एक यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है गोल्ड में, ठीक है। और ये यू पैटर्न क्या है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्ट करता है जब ये ऊपर साइड जाता है और नीचे क्या है सपोर्ट की तरह। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो हैं, तो प्रोबेबिलिटी सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न जो था 2012 का था टू 2020, ये 2020 से 2022 तक है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये कंटिन्यूस डाउनफॉल सिल्वर में, ठीक है। अभी क्या है, एक स्विंग आप देखेंगे, ये सपोर्ट जो 1612 पर लिया गया है 12, तो अगर इसके पास गोल्ड अगेन आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये फर्दर डाउन जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर ये भी ट्रेड कर रहा है 1656.60, अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो हम इसको गोल्ड को अराउंड 1690 जाते हुए देख सकते हैं, और उसको लेवल को भी सस्टेन करेगा तो चांसेस है $701 जा सकता है, ठीक है। ये $701 क्रॉस करने के बाद इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हम इसको अराउंड $1731, जो कि एक वीक रेजिस्टेंस है, तो चांसेज हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स $1752 जाते हुए देख सकते हैं। एंड देन इसको सस्टेन करता है तो फर्दर हाई, ठीक है। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं, जो कि एक लेवल है अराउंड 1612। मैंने बताया कि एक वीक सपोर्ट है, सो प्रोबेबिलिटी हाई है हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं अराउंड $1568। ओके, अगर इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाए तो हम इसको अराउंड $1556 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, तो अगर हम इसमें सिल्वर की बात करें तो देखिए सिल्वर एक अप ट्रेंड में चालू हो गया है और आप देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले आया अराउंड 17.5। उसके बाद इट वॉज ट्रेडिंग अब अराउंड 18.5 ट्रेड कर रहा था, बट हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर एकदम अपसाइड की तरफ आए हैं और अराउंड 19.400 सिल्वर ट्रेड कर रहा है, तो इसकी हाई चांसेस हैं कि हम इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं अराउंड $19.609। और अगर उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो हायर चांसेज हम इसको $19.945 जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। मैं और अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो हायर इसके चांसेस हैं कि हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड $20840 जाते हुए देख सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल को सस्टेन करता है 20.280 को, तो हम इस लेवल पर सिल्वर को आते हुए देख सकते हैं। अगर उसको भी सस्टेन करता है तो हम हायर चांसेज है कि हम इसको 21 क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, कैन टच अ लेवल ऑफ $21.175। ओके, बट अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है सिल्वर और यहाँ पर एक स्विंग फॉर्म होता है, तो चांसेस हैं कि हम इसको फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड $18.998 जाते हुए देख सकते हैं। अगर उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है तो फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड $18.590। ओके, अगर मान लीजिए इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करेगा तो अराउंड $18.047 जाते हुए देख सकते हैं। और अगर इसको भी नीचे जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी हम इसको अराउंड $17.640 हम सिल्वर को आते हुए देख सकते हैं। और अगर इसको भी सस्टेन नहीं करता है तो फर्दर डाउन हमें सिल्वर में देख सकते हैं। अगर हम इसमें क्रूड की बात करें तो देखिए क्रूड ने एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 85.5 डॉलर्स। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमने देखा है वो अराउंड 77.52 डॉलर्स है, ठीक है। अगर इसके भी नीचे जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी अराउंड 65.72 एक सपोर्ट है, और उसके ऊपर एक सपोर्ट है अराउंड $68.47, ठीक है। अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 85.13, ठीक है। अगर इसको सस्टेन करता है तो हायर चांसेस हैं कि ये अपने एक सपोर्ट के ऊपर जा सकता है, जो कि अराउंड $85.8 था, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका है। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो चांसेस हैं कि हम इसको फर्दर अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं, दैट इज़ अराउंड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $90.11। ओके, मान लीजिए अगर उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड हम इसको अराउंड $93.66 देख सकते हैं। जैसे ये $93.66 सस्टेन करता है तो इसके हायर चांस हो जाएंगे, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है 93.66 ये वीक रेजिस्टेंस है, तो चांसेस आर वेरी हाई हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 100.74 देख सकते हैं। बिकॉज जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है इसके बाद अराउंड 97.98, वो एक वीक रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है 2-3 बार, तो हायर चांसेज हम इसको टुवर्ड्स एन अपसाइड ऑफ 100.74 देख सकते हैं। और उसके भी ऊपर जाएगा तो चांसेज हम इसको फर्दर हाई टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 105.74 देख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये अराउंड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ 1092 एंड देन फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। बिकॉज आफ्टर 105 हम इसमें एक अप ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं,
क्रूड में, बट मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो चांसेस है हम इसको फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड $82.24 देख सकते हैं, और उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करेगा तो हम इसको अराउंड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ आते हुए देख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड $77.13। ओके, अगर उस लेवल में भी सस्टेन नहीं करेगा तो फर्दर डाउन अराउंड हम इसको $75.16 देख सकते हैं, और उस लेवल को भी सस्टेन नहीं करेगा तो फर्दर डाउन टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $66.50। $66.50 इज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देख सकते हैं या तो 77.13 से देख सकते हैं। तो आप देखिए अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तो हम $82 देख सकते हैं, अगर इस लेवल को नहीं जाता है तो 77.13। ठीक है, अगर मान लीजिए उसको भी सपोर्ट नहीं करता है तो हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड $68 की तरफ आते हुए देख सकते हैं क्रूड को, और उसके बाद हम फर्दर डाउन देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें नेचुरल गैस की बात करें तो ठीक, नेचुरल गैस इज़ कंटिन्यूसली डाउन साइड। मैंने आपको पहले भी बताया था एक पैटर्न फॉर्म होता है, जब भी एक हाई ऊपर जाता है तो और एक लेवल को क्रॉस करता है तो हमने एक शार्प फॉल देखा है, और अभी इसने एक हाई मारा था उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है। जब तक एक स्विंग फॉर्म ना हो नीचे की तरफ तब तक हम इसको अप ट्रेंड नहीं देख सकते। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड 5.2 जो कि 2-3 बार टेस्ट हो चुका, चांसेस वेरी हाई हो जाएगी कि हम इसको फर्दर डाउन जाते हुए देख सकते हैं अराउंड $4.9 जो कि एक सपोर्ट है। यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देख सकते हैं, बट आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर 5.2, तो इसके ऊपर देखें 5.2 एक रेजिस्टेंस है, तो उधर से एक पुल डाउन देख सकते हैं और की तरफ दोबारा आ सकता है और इसको नीचे की तरफ ले जा सकता है। दैट इज़ अराउंड $4.584 नेचुरल गैस को देख सकते हैं, और उसके भी नीचे जाएगा तो हायर चांसेस है $4.2 देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और यहाँ से नीचे जाएगा तो चांसेस आ रहा हूँ 3.6 तक भी नेचुरल गैस को देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल को सस्टेन करता है $5.4 को करंटली ट्रेड कर रहा है तो हम इसको फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $5.8 देख सकते हैं। अगर उस लेवल को भी सस्टेन करता है तो हायर चांसेस है हम इसको अराउंड $6.3 जाते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ $6.5। ओके, अगर उस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो फर्दर हाई चांसेस हम इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं, दैट इज़ टू अ लेवल ऑफ अराउंड $6.9 एंड टुवर्ड्स अ लेवल ऑफ अराउंड $7.10। ओके, अगर उस लेवल को भी सस्टेन करेगा तो हायर चांसेस हम इसको अराउंड $7.546 देख सकते हैं, एंड देन फर्दर अपसाइड। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन मेल